हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। सबसे पहले तो आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी जो भी आता रहेगा सबसे पहले उसको ही करिएगा। आपको इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आप परीक्षा में कैसे 100% स्कोर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और दूसरा नंबर हम आपको दिखाएंगे आल फार्मूला जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, 10th NCERT बेस पर, चाहे आपका UP बोर्ड है या फिर कोई भी बोर्ड है, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, ऑल इंडिया का। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तब भी ये आपके फार्मूले आपके काम के होंगे, क्योंकि सिलेबस वही है। तो चलिए हम आपको बात कर लेते हैं, पहले सिलेबस कितना है, क्या पार्ट हैं, एक मिनट के अंदर, उसके बाद फिर चलेंगे फार्मूलों पर। एक एक चैप्टर के सारे फार्मूले दिखाएंगे, कंप्लीट दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपकी बुक में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब जिसमें आप पढ़ते हैं रियल नंबर, अर्थात यूक्लिड विभाजन वगैरह पढ़ते हैं, वो पहला पार्ट है। दूसरा चैप्टर है साथियों आपका पॉलिनोमियल, जिसे बहुपद कहा जाता है। बहुपद में आप पढ़ते होंगे जैसे यक्स प्लस वन है तो ये कितने पद का है, दो पद का है ना। अगर यक्स प्लस यक्स है तो ये एक पद, ये व्यंजक है। ये सब हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कमेंट करिएगा तो आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक ना, पूरा कोर्स मिल जाएगा। तीसरा चैप्टर आपका एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, ये सब चैप्टर के फार्मूले हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो को पूरा देखना। ज्यामिति रचनाएँ, वृत्तों से संबंधित रचनाएँ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संख्या की और प्रायिकता, तो ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जिस तरह से युद्ध के मैदान में जाने से पहले कुछ तैयारियां करके जाना पड़ता है, उसी तरह से परीक्षा में भी बहुत सारी तैयारियां करके जाना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं युद्ध के मैदान में जाने से पहले अस्त्र शस्त्र अपने सेनाओं को लेकर के तैयार होना पड़ता है, तो वैसे आपके ये सभी अस्त्र शस्त्र जो हैं ये फार्मूले होते हैं। एग्जाम में अगर आप इन फार्मूलों रूपी अस्त्र शस्त्र को लेकर के जाते हैं तो आप अपने शत्रु रूपी क्वेश्चन को पराजित कर सकते हैं। पहला चैप्टर के जो फार्मूले हैं उनको देख लेना है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हो सकता है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य फार्मूला यही है A=BQ+R, जहाँ R की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी और उससे भी बड़ी B की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक ना। ये फार्मूले हैं। इसके अलावा दूसरा बात करें अपरमीय यानी कि इरेशनल नंबर की, तो ये सभी इरेशनल नंबर हैं, इसमें और भी जोड़ लो। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या का पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर मैंने कहा √16 तो ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल आप 4 निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैंने कहा √17 तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल अगर कुछ आएगा भी तो वो किस में आएगा, दशमलव में आएगा, 4 दशमलव लगभग कुछ समथिंग में आएगा, पॉइंट में आएगा, यानी कंप्लीट नंबर नहीं आएगी ना। तो इस कारण से क्या है, ये अपरमीय है, और जबकि ऊपर वाला जो है ये क्या है, ये परमीय है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें कोशिश करेंगे हम आपको कुछ समझा भी देंगे बीच बीच में। तो तीसरा नंबर आपका फार्मूला जो है साथियों इस चैप्टर से, वो है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। देखिए हमारी ये कोशिश होगी, इस वीडियो में आपको सूत्र दिखा दें हम जल्दी जल्दी से, इसके बाद इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे अलग अलग चैप्टर के लिए, तो उसमें हम फार्मूलों को आपको समझा भी देंगे, ठीक ना, तो उसको ज़रूर देखना। इसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो तीसरा आपका फार्मूला ये है साथियों, ध्यान से देख लीजिए, थर्ड नंबर। उसके बाद चौथा नंबर ये है, शांत अशांत पर आधारित है। पाँचवा नंबर है, आप देख ही रहे हैं, मैं शांत अशांत के बारे में बिना बताए नहीं रह जा रहा है, इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए शांत अशांत आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किस भिन्न का प्रसार शांत दशमलव होगा या अशांत होगा, तो इधर मतलब समझ लो, जैसा कि मैंने आपको दे दिया ये, इनमें दोनों में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा। तो साथियों जो पहला वाला है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा इसका, और इसका शांत नहीं होगा, अशांत होगा। इसका कारण क्या है पता है, देखिए हर जो है नीचे वाला नंबर उसका गुणनखंड करने पर 2 आए या 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए तब दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने लिख दिया 1/25 तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसे आप 1/5/5 लिख सकते हो, मतलब 5 का रूप आ रहा है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 1/14 तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसको आप 1/2×7 लिखोगे और इसमें 5 की जगह पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब जो कि अशांत कर जाएगा,
अगला देखते हैं, छठा फार्मूला आप यहाँ पर देख लो, वही बताया गया है। देखो छठा में वही बताया गया, सातवां में भी वही बताया गया जो मैंने आपको बता दिया, और आठवां फार्मूला भी आप यहाँ से देख रहे हो, नौवां नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको भी देख लो। दसवां एलसीएम एचसीएफ पर है, ग्यारहवां नंबर भी उसी में से है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यहाँ पर कुछ चरण दिया गया है, समझाया गया है कि कैसे आप इनको हर एक चरण में करेंगे। तो ये फार्मूले हो गए, चलिए अगला चैप्टर आपको दिखाते हैं। अगला वीडियो ज़रूर देखना जिसमें हम हर एक सूत्र को समझाएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट करके बताना कि आप सूत्रों को समझना चाहते हो, जैसे मैंने शुरू में बताया था कैसे इनको यूज करेंगे, इनका क्या मतलब है, ये सब अगर आप समझ जाते हो ना तो पास होने का मार्क्स तो आप यहाँ से आराम से पा सकते हो यार, केवल फार्मूलों से ही। चलिए अगला आपका चैप्टर आता है पॉलीनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद में हमने आपको शुरू शुरू में बता दिया ना कि बहुपद कैसे पहचानते हैं, बहुपद क्या होते हैं, इनके सब के बारे में हमने आपको बहुत ही चीज़ें बता दिया है। तो बस जो बचा है उसको देख लो, जल्दी से फार्मूले देख लो। एक पदीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में एक नंबर में आ सकता है, बहुविकल्पीय में आ सकता है यार, बहुविकल्पीय में आ सकता है, बहुविकल्पीय में आएगा। ऐसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। पहला ऑप्शन एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय, चार पदीय, तो आप लगा दोगे एक पदीय। एक पदीय का मतलब जैसे ये यक्स, ये एक पदीय है, ये रैखिक बहुपद है, ठीक ना। दूसरा मतलब समझना, देखो एक पदीय में और क्या होगा, जैसे मैंने लिखा 2x+x, ये भी एक पदीय है, क्यों, क्योंकि ये जुड़ के 3x हो जाएगा, मतलब द्विपदीय तब होता है जैसे x+2, तो ये द्विपदीय है क्योंकि इसमें देखो जुड़ेगा नहीं, दोनों की जुड़ करके 3 हो जाए या 5 हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, तो ये द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ से आप इनको समझ लो जल्दी से, हम इसमें ज़्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि टाइम नहीं, केवल सूत्र दिखाना है। तीसरा सूत्र आप देख सकते हो तीन पदीय बहुपद पर है, चौथा, पांचवा, और इस तरह से आप शून्यक निकालने वाला सूत्र छठवां से निकाल सकते हो, और भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धनशेषफल, ये आप यूक्लिड विभाजन वाले में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपने देख लिया बहुपद वाले सारे फार्मूले। अब चलते हैं लेकर के हम आपको तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इन फार्मूलों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, इसके लिए आप कमेंट करके बताना कि अगर आप समझना चाहते हो तो, उसमें फिर आपको हम जो देंगे ना वो आप वाकई आपके बहुत काम का होगा, क्योंकि इन फार्मूलों को हम एक एक को इसी में समझा देंगे, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आओगे, उम्मीद बना के रखना बस, बिल्कुल घबराहट मत महसूस करना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चलिए पहला इक्वेशन समीकरण आप देख रहे हो यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के रूप का है, जो ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन होती है कि ए बी ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, तब वो रैखिक समीकरण कहलाता है। हाँ आपके एग्जाम में आ सकता है एक नंबर में हाई स्कूल में कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप यही लिख देना, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के रूप का हो, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएँ हैं और ए डज नॉट इक्वल जीरो, बी डज नॉट इक्वल जीरो, दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो समीकरण नहीं बनेगा, याद रखना। हाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा जो 3.2 में, 3.4 में है इक्वेशन, उसमें कहा जाता है कि दोनों समीकरणों को हल कीजिए और बताइए कि इनका हल अद्वितीय होगा कि नहीं होगा, अगर अद्वितीय होगा तो इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो साथियों यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तब इनका हल अद्वितीय होता है, अद्वितीय मतलब एक ही हल होता है और कोई हल नहीं होता है, मतलब अद्वितीय मतलब ऐसे समझ लो जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य एक ही है, चांद भी एक ही है, तो बस वैसे जैसे किसी माँ बाप के एक ही पुत्र हों तो वो क्या होता है, उसका अद्वितीय पुत्र होता है। रेखाएँ संपाती कब होंगी, जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं समपाति होंगी, और अंततः असंगत समीकरण युग्म कब होगा, रेखाएं समांतर कब होंगी, जब a और b वाला तो बराबर हो लेकिन c वाला बराबर ना हो, तब क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए अगला दिखाते हैं, इसमें देख लीजिए साथियों, आप जैसे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, बहुत सारे फ़ोन कॉल आते थे कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें पूरा कंप्लीट सूत्र हो, तो हमारी यही कोशिश होगी कि आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सूत्र दे दिया जाए, ठीक ना। देखिए विलोपन विधि इसमें क्या होता है, विलोपन विधि में आपने देखा होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, वैसे समझा दूं हल्के में, इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान बनाना पड़ता है, अतः इसे गुणांकों को समान बनाकर समीकरणों को हल करने विधि भी कहते हैं। तो देखो इसको ऐसे समझ लो यार,
ये विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि जैसे ये समीकरण दिया है 3x धन y और बराबर 7 दिया है, या मान लो चलो -7 दिया है, ठीक है, तो 3x धन y ध्यान से समझना, और -7 बराबर 0 दिया है। दूसरा समीकरण है x धन y और -2 बराबर 0। इसमें क्या करते हैं, हमारा ये उद्देश्य होता है कि जो राशि है वो कोई ना कोई एक बराबर हो जाए। जैसे मान लो ये 7y होता, ठीक ना, ये 7y भी होता तो क्या होता, देखो इसमें यक्स ना बराबर है गुणांक, ना वाई का गुणांक बराबर है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देते, 3 से गुणा कर देते दूसरे समीकरण में, तो ये 3x धन 3y हो जाता, और इस तरह से देखो ये यक्स वाला बराबर हो जाता, इसको माइनस चिन्ह लगा देते घटाते समय, ये कट जाता, मतलब एक का विलोप हो गया। इसको क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं, मतलब एक को गायब कर दो दूसरे का मान आ जाए, तो इस तरह से इसका मान आ जाता, ये 4y बराबर, ये भी चिन्ह बदल जाता तो प्लस माइनस जुड़ जाता, -3 मतलब 4/3 लगभग आ जाता। वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला ये याद करने लायक है, वाकई आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कुछ चैप्टर हैं जिसमें कहा गया है कि वज्र गुणनखंड विधि से ही हल कीजिए, तो इसलिए इसको याद रखना, ठीक ना। चौथा चैप्टर पे आते हैं, द्विघात समीकरण है साथियों। द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी देख लो। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी इक्वल जीरो, जिसमें यक्स कोई चर है और ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ये मानक रूप कहलाता है। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है ए एक्स धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो, और ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो, और ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स माइनस का सी बराबर जीरो, ऐसे तीन चार कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिए जाएंगे, तो आप इसको याद रखना, ये मानक रूप होता है, ज़रूर आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर अगला बात करें तो देखो इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल शून्यांक शून्य के बराबर कब प्राप्त कर सकते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मूल निकालिए, शून्यांक निकालिए, गुणांक निकालिए ना, तो उसमें देखो अगर ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, इसमें ए जीरो के बराबर नहीं हो तो रैखिक गुणांकों में गुणनखंड कर सकें, तो द्विघात समीकरण के प्रत्येक मूल प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। एक आता है श्रीधराचार्य का सूत्र, देखो ये जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ श्रीधराचार्य का ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र है, ये लग जाता है वहाँ पर, तो इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आप कर सकते हैं जब कोई भी इक्वेशन का, जैसे उसका आप मूल ना निकाल पा रहे हो तब, ठीक ना, तो इसको याद रखना। द्विघात समीकरण में देखो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या फिर संगामी होंगे, संपाती होंगे, आभासी होंगे, ये पूछा जाता है ना कि कब होंगे, तो साथियों जब आपका विभक्तिकर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से छोटा आता है, तो मूल दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि इस विभक्तिकर का मान 0 के बराबर आता है तो बराबर मूल अर्थात संपाती होते हैं, मूल बराबर का मतलब संपाती होना, और अगर इसका मान 0 से छोटा आ जाता है दुर्भाग्यवश तो वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कहने का मतलब आभासी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, और बाकी तो नीचे आप छठा वाला देख ही रहे हो। इसके बाद पांचवा चैप्टर आ जाता है समांतर श्रेणी। देखो यार वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो देखना ज़रूर, अगर आपको कोई और चैप्टर का चाहिए तो वीडियो आगे भगा के देख लेना, ठीक है ना, सारे फार्मूले आपको दिखा दिए जाएंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का देखो सर्वांतर आप जानते हो डी से दिखाते हैं, पहला पद ए से दिखाते हैं, और साथियों जब यहाँ पर यनवा पद आपको निकालना हो, ए दिया हो, डी दिया हो और यनवा पद निकालना हो, तो आप फार्मूला लगाएंगे टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, तो ये तब लगता है अगर समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना हो, सम निकालना हो, तब आप ये फार्मूला यूज करोगे, एस एन इक्वल एन अपान टू इंटू टू ए एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए प्रथम पद, डी सर्वांतर और एन वहाँ पर पदों की संख्या है। उसके बाद एक फार्मूला आप नीचे भी देख रहे हो, ये सब भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म किया जाए, चलिए आगे चलते हैं। साथियों मैं आपको एक ही वीडियो में बना तो दूं, लेकिन इसका एवरेज भी काफ़ी कम हो जाएगा, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि इसको हम तीन पार्ट में बनाएंगे, तो आप ये नंबर नोट कर लो, 94 55 63 38 37।
अगर आपको कोई पार्ट नहीं मिलता है तो इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर देना, ठीक ना, इस पर हमें व्हाट्सअप कर देना 9-4 वाले पर, और 9-7 वाले पर आप हमें फ़ोन कर सकते हो। तीन पार्ट हम इसमें बना के देंगे, तीन पार्ट में आपके 10th मैथ का सारा सूत्र होगा। ये है 9793488448, नंबर याद कर लेना, 97-93-48-84-48। इस पर आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक ना। तीनों पार्ट आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये पहला पार्ट आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना, जिससे कि आपको सारी वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन ऑन करके रखना। साथियों, PBR स्टडी का ऐप हमारा प्ले स्टोर पर है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें आपको 10th NCERT कंप्लीट सोल्यूशन भी मिल जाएंगे एक वीडियो के रूप में बहुत अच्छी तरह से। शुक्रिया।